खुशी खुश मिल गई। कभी कभी आपका एक फैसला उस पल को यादगार बना देता है। ये कहानी हमारे उसी एक फैसले की है। केलोंग जाने की असफल कोशिश के बाद हमारा कारवा बढ़ पड़ा सुलांग वैली की ओर। सुलांग वैली अटल टनल से 11 और मनाली से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर बने आई लिंक पर क्लिक करके देखें। इधर से रास्ता है। हाय, तो अभी हम अंजनी टेंपल जा रहे हैं। एक ट्रैक है जो अप डाउन मिला करके 5 किलोमीटर का है। तो यहाँ से अब आगे देखते हैं जाते हुए जाने के बाद ये कैसा है। बट अभी जितना स्टार्ट किया मजा तो आ रहा है। अंजनी महादेव सोलांग वैली के पास एक बहुत ही सीरीन लोकेशन पर है। इस ट्रैक को बाय वॉक, हॉर्स राइडिंग या एबीपी बाइक से कर सकते हैं। फनी है। परमानेंट वाला हिमाचल में होना चाहिए। हाँ। में सीरीज में था ना। हाँ। उनका घर हिमाचल में। यू नो यू कैन कम एनी टाइम। बाबा बाबा यू आर ब्यूटीफुल। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई गिरे। ओ शिट, काटे चुभ रहे हैं। ओ गॉड, आज का स्टे है दोस्तों। कैसा लगा देखिए, ये सामने वाइट वाइट माउंटेन है और बीच में ये पत्थर और मेरा टेंट। गिर मत जाना। और इस साइड में देखो बहुत अच्छा। यार यू नो ये जो लुक है ना एकदम बहुत ही सही लग रहा है, एकदम ड्रीमी है। मतलब दिस वन हैज इट्स ओन चार्म। यस यार, का बहुत सुंदर है। हाँ बहुत ही सुंदर है। पाथ तो भी अच्छा है और जो स्नोई माउंटेन दिख रहा है वो तो मतलब और भी अच्छा होना रहा है। ये दोनों विश्राम करते हुए तो हम मंदिर के बहुत नजदीक आ गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। यार मुझे मतलब अभी तक जितने भी पानी टेस्ट किए ना, दिस इज द बेस्ट। और उन शांत वादियों में एक अलग ही शोर था जो कानों के साथ साथ मन को भी सुकून दे रहा था। झीलों से बहते पानी की कलकल हो या हवाओं से पेड़ की पत्तियों की सरसराहट, खूबसूरती को क्या चाहिए, बस एक खूबसूरत सी नजर। हम टेंपल जा रहे हैं या जिपलाइनिंग के लिए? हाँ ट्रेन स्टेयर है। आई हेट स्टेयर। पुष्पा आई हेट स्टेयर।
हमें नहीं जाना, स्टेयर किधर है? इधर नहीं है। चलो यार, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, वाव गाइस, लुक एट दिस वॉटरफॉल। अभी दिख नहीं रहा, अमेजिंग। इस जगह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अंजनी माता ने कई साल तपस्या की थी, तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर एक शिवलिंग है, जिस पर एक छोटे वाटरफॉल से पानी हमेशा गिरता रहता है। सर्दियों में यही वाटरफॉल का पानी जमकर नेचुरल शिवलिंग बन जाता है। इसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। ये सब लोग जिपलाइन कर रहे हैं और मुझे सारा सामान पकड़ा रखा है। इन लो, अच्छी पहना दो, पहना दो। ये पकड़ो। अरे वाह, हाँ, ठीक है, तो सारे लोग जिपलाइन कर रहे हैं और मैं उनका वीडियो शूट करने जा रही हूँ। वाह वाह वाह, तो सारा आप देख सकते हैं। लगेज मुझे थमा दिया है। अरे मुझे जाना किधर है? अरे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मुझे तो। चलो भाई, बना रहे हैं उनका वीडियो। तो जो हमने रेट पता किए हैं, 200 है जिपलाइनिंग का। पहले मैं नीचे 400 को बोल रहा था, यहाँ टॉप पर है तो 200 उन्होंने बताया। तो आप कर सकते हो, इतनी खूबसूरत नज़ारों के साथ जिपलाइनिंग, मज़ा तो आएगा। First time, बहुत मजा आया। And view was amazing and the speed. You know my weight is more, so momentum is more. Basic physics. It was amazing. Also we covered half of the path. So perfect. इतना भी नहीं था यार, ये half थोड़ी है। Wow, एरो के निशान भी लोगों ने बना रखे हैं, ताकि अगर आप lost हो जाओ तो आप सीधे एरो से फिगर आउट कर सको कि आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे हो। इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्नोफॉल होने वाली है, और उधर ध्यान से देखिए, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। स्नोफॉल हमारे करीब आता हुआ और हम स्नोफॉल से हमारी सो इसे दूर जाते हुए। हाँ राइट, वो देखिए स्नोफॉल हो रहा है और इधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो चलिए, आज की जंग स्नोफॉल हम जीतेंगे। हम चलते चलते कोई मिल गया था। हम फाइनली पहुंच गए बेस पर। तो कैसा लगा, कैसा रहा ट्रिप, कैसा रहा? अमेजिंग, मजा आया। जिपलाइन इज द हाईलाइट फॉर मी एंड मेरे लिए। झरने, झरना स्क्वायर, टोटल एक्सपीरियंस बताओ ना। सोचा था कि इतना अच्छा होगा। थैंक्स टू द भुट्टे वाले अंकल। हां भाई, भुट्टे वाले अंकल का फोटो ज्यादा सजेस्ट किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऊपर हाइक है, अच्छा है, जाओ ये वो। सच में क्राउड नहीं था, दैट्स गुड पॉइंट। किसी को ज्यादा पता नहीं है, बट ट्रेल भी अच्छा है। जय अंजनी महादेव, जय अंजनी महादेव। वक्त अलग होगा, किरदार वही होंगे, अपनी कहानी के हकदार हम ही होंगे। एक पल के लिए रुक जाओ जरा, सफर का आनंद उठाओ जरा।